नमस्कार अभ्यर्थियों, होप कि आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर होगी। आपने जो हमसे बोला था WTO के बारे में, उसके बारे में पार्ट वन और पार्ट टू भाग में वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसमें सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी हमारे लिए आपको बताना, क्योंकि आपने वो ट्रेडिशनल में पढ़ रखा है, परंतु जो न्यूज में था, जो आपको नहीं पता है, उसके बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप, जिसका नंबर है 8800141518, इस पर या द कोर IAS के फेसबुक पेज के द्वारा या GS हिंदी के फेसबुक पेज के द्वारा भी जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बता पाना। जैसे अभी हाल ही में 2-3 दिन से हम इकोनॉमिक सर्वे के जो नोट्स हैं, जो प्रिलिम्स के लिए उपयोगी हैं, चैप्टर वाइज हम उसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भेज रहे हैं आपको। वो इन तीनों पे किसी भी एक कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा मिल जाएंगे। आप इनको फॉलो कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो नंबर है वो ये है, द कोर IAS के चैनल पर भी तथा GS हिंदी के फेसबुक पेज से भी आप जुड़े रह सकते हैं। आप इसको फॉलो कीजिए, यहाँ पर और जो मैटर होगा वो आपको दिया जाएगा। होप कि आपने 1200 वाली जो शीट है वो देखी होगी। आज हमारा जो पर्पज़ है, कि कई लोगों की कॉल आ रहे हैं कि सर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट बताइए, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो आज इंडेक्स, स्कीम, इन सब में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं उनको लेते हुए मैं आज टॉपिक हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट जो आपको देखने ही देखने हैं। जो शीट है वो तो देखनी ही है, जो 1500 वाली शीट है वो तो देखनी ही है, परंतु ये जो है इस पर भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। पहला जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है इस चैंपियन वर्ड पर। ये जो चैंपियन वर्ड है, इससे 2 या 3 जो सेक्टर है वहां से जो है न्यूज में खबर रही है। एक है आपका चैंपियन सेक्टर, वो सेक्टर जहां से ज्यादा रोजगार जनरेट होंगे। एक है आपका चैंपियन, चैंपियंस ऑफ चेंज इनिशिएटिव, और एक है आपका आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और उनके लिए चैंपियन डैशबोर्ड। चैंपियन डैशबोर्ड यह है आपको अखबारों में कहीं ना कहीं दैनिक जागरण में भी मिले होंगे। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हिंदू ही सब कुछ है, आपने जो पढ़ा है उसमें भी आपने इनको देखा होगा, आपको ये जरूर देखना है। इनको हमने क्लासरूम में भी करवाया है जब हिंदू की हमारी क्लासरूम चल रहा था, परंतु आपने भी जो है जागरण जब पढ़ रहे होगे तो इनके बारे में देखा होगा। तो आपको देखना है चैंपियन सेक्टर क्या है, चैंपियंस ऑफ चेंज इनिशिएटिव क्या है, चैंपियन डैशबोर्ड क्या है। चैंपियन डैशबोर्ड आपका रिलेटेड है आकांक्षी जिलों से, जिसको इंग्लिश में बोला है गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये आपको तीनों जो है वो देखने हैं। इसके अलावा आपको देखना है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, लगातार न्यूज में रहा है। इसमें ये फंड किसके तहत है, ये फंड किस योजना का हिस्सा है। जैसे ये फंड नाबार्ड के तहत है, योजना ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है, ये आपको देखना है। इरिगेशन फंड जो है लगातार जो है चर्चा का विषय रहा है, और इकोनॉमिक सर्वे और ईयरबुक में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, और सरकार का ध्यान भी इस बार पानी पर बहुत ज़्यादा है। आपने पढ़ा होगा कैपटाउन के बारे में, तो पानी के संबंधित एक कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में वो पूछेगा। मेंस में तो 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन एक जल पर जरूर होगा। तीसरा जो टॉपिक है वो आपको देखना है, वो देखना है उत्कृष्ट बॉन्ड। ये डेवलपमेंटल बॉन्ड है जो राजस्थान सरकार में जारी किया गया है, आपको ये उत्कृष्ट बॉन्ड जो है उसके बारे में भी डिटेल से देखना है। इस उत्कृष्ट बॉन्ड के अलावा आपको भारत सरकार ने जो मलेरिया के लिए
एक्शन प्लान लेके आई है उसके बारे में देखना है। इस एक्शन प्लान के क्या घटक हैं, इस एक्शन प्लान में क्या है, कितने फेजेस में होगा, इन सबको भी आपको देखना है, ठीक है। इन चार के अलावा आपको देखना है, सब आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इनाम के बारे में। इनाम से मिलता जुलता ही एक और है ई रकम, राष्ट्रीय किसान एग्रीकल्चर मंडी, जिसे एमएमटीसी ने चालू किया है, भारत सरकार का एक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम एमएमटीसी। तो आपको ई रकम जो है राष्ट्रीय किसान मंडी, क्योंकि किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो आपको ये ई रकम जो है उसके बारे में भी देखना है। ये इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको देखना है वो देखना है संपदा योजना, इसका नाम जो है चेंज किया गया है संपदा योजना का, ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है जेंडर पैरिटी रिपोर्ट और उसी से मिलती जुलती जेंडर गैप रिपोर्ट, ये दोनों अलग अलग संस्थाएं निकालती है, इन दोनों के रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट निकालता कौन है, बस आपके लिए यही सफिशिएंट है, जेंडर गैप रिपोर्ट और जेंडर पैरिटी रिपोर्ट। इसके अलावा आपको देखना है आजीविका ग्रामीण विकास योजना। आजकल यूपीएससी जो है लीक से हटकर जो है योजना पूछ रहा है, जैसे पिछले साल उसने विद्यांजलि पूछी थी, तो इसी तरह। और सरकार का भी फोकस भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर है, और ये स्कीम जो है आजीविका ग्रामीण विकास योजना, ये भी एक लीक से हटकर है, जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ध्यान दिया जा रहा है, लीक से हटकर स्कीम है। आपको ये समझना होगा यूपीएससी जो है किस तरफ जा रही है, किस तरफ का रास्ता वो पकड़ रही है, अगर आप रास्ता वो कैच कर पाए तो आपको यह जो है यूपीएससी आपके लिए आसान होगा। तो यह जो योजना है ये लीक से हटकर योजना है, तो आपको यह आजीविका ग्रामीण विकास योजना जो है इसके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मस्क, मस्क कोष, सुना होगा माध्यमिक उच्चतर शिक्षा कोष, माध्यमिक उच्चतर शिक्षा कोष, यह आपको पढ़ना है। इस मस्क के साथ साथ आपको पढ़ना है हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी जो बनाई गई है, और इस हेफा के साथ साथ बजट 2018 में जो राइज हुआ है, राइज की जो घोषणा की गई है वो पढ़ना है। और इसके अलावा आपको जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो एजुकेशन से रिलेटेड सारे, ये सब देखने हैं, क्योंकि आपका सर्व शिक्षा अभियान 2.0 आ चुका है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान को है जो शामिल किया जा चुका है। इस कारण आपको यह पूरा देखना है कि यूपीएससी के लिए अगर एक टर्म न्यूज में है तो उसके आसपास आपको सभी कुछ सेक्टर जो है उस पर ध्यान देना है, यही यूपीएससी की खासियत है, जहां पर अक्सर हम जो है मात खा जाते हैं जो हमने पढ़ा है, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में हमें यह कभी नहीं लगेगा कि हमने पढ़ा नहीं है, परंतु हमने सतही तौर पर उसको पढ़ा है, देखा नहीं है डिटेल में। इस कारण आपको यह पूरा देखना है। सर्व शिक्षा अभियान 2.0 तो बजट में भी न्यूज में था, इस कारण आपको यह देखना है। इसके अलावा आपको देखना है एग्री उड़ान स्कीम, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर से यूथ जो है वो विमुख हो रहा है, तो आईएम अहमदाबाद की स्कीम है, एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है स्टार्टअप, एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री उड़ान, तो ये आपको एग्री उड़ान जो है इसके बारे में पढ़ना है।
एग्री उड़ान के अलावा आपको पढ़ना है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कल हमने दो तीन दिन पहले व्हाट्सएप पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, उसके जो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं उसमें यह है, क्योंकि यह है इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका रेफरेंस लिया गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि संस्था कौन सी इसको निकालती है, इसमें क्या है और किस मानक के आधार पर यह सूचकांक देता है, ये आपको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में डिस्कस हुआ है और आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है, जो पर्यावरण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का, जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम नेगलेक्ट करते हैं। हमें पता है कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो वहीं से आते हैं, परंतु फिर भी हम नेगलेक्ट करते हैं, आपको ये नेगलेक्ट नहीं करना है। और एनवायरमेंट के लिए आप जो द कोर के जो क्लास नोट्स हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने वही करवाया है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसके आप बेसिक नोट जो हैं मार्केट से ले सकते हैं। तो क्लासरूम प्रोग्राम का ही हिस्सा है था, जिसमें प्रोटोकॉल वगैरह पर हमने मैक्सिमम ध्यान दिया है, और होप कि आपने एनवायरमेंट वाली जो शीट है वो भी डाउनलोड कर ली होगी, जिसमें एक एक पॉइंट जो है एनवायरमेंट का जो आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट है वो, प्लस उसमें करंट रिलेटेड जो न्यूज हैं, जो सारी की सारी न्यूज जो है वो उसमें लिखी हुई है। हमारा एक अगला वीडियो होगा कि, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि सर एनवायरनमेंट का आपका करंट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से हमारा एक वीडियो होगा जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइटम है वो हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे। उसमें से कुछ जो है स्पीसीज, उस सीरीज को तो हमने आपसे डिस्कस कर ही दिया है, एनवायरमेंटल लॉज आपसे डिस्कस कर दिए हैं, और क्योटो भी हमने आपसे डिस्कस किया है। इसके अलावा आपको देखना है उज्ज्वला, ये आपने सबने पढ़ा है। इस उज्ज्वला के अलावा आपको देखना है उज्ज्वला प्लस, ये जो उज्ज्वला प्लस है इसके बारे में भी आपको देखना है। इसके अलावा आपको देखना है डिजिटल इंफोपीडिया, ये क्या है, कईयों के लिए नया वर्ड होगा कि ये तो पहले पढ़ा ही नहीं है, हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया। यूपीएससी के लिए बहुत कुछ नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड पढ़ना है और आपको ऑथेंटिकेट सोर्सेस से पढ़ना है। ये डिजिटल इन्फोपीडिया है, इसके यह है प्रोग्राम है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया हुआ है, और जो हमने शॉर्ट नोट्स दिए हैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के, उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन है, तो आपको यह भी पढ़ना है। और ये सब सब जो हमने अपने जो हिंदू जो क्लास पेपर कि जो न्यूज़पेपर की जो क्लास होती है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों चलता है, उसमें भी हमने इन सबको करवाया है, आप वो नोट्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक अभी जो हमारे लिए पॉलिटिक्स का और चर्चा का विषय रहा है, जब लाल किले को डालमिया ग्रुप को दे दिया गया था, वो क्या है, क्या उसमें प्रोज है, क्या कौनस है, वो मेंस का मुद्दा है, परंतु प्रीलिम्स के लिए फिर भी आपको देखना है अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। इसमें खासकर आपको ध्यान देना है मंत्रालयों पे, कौन सा मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है, कौन कौन से मंत्रालय इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और कौन सी एजेंसी जो है इसमें सहयोग दे रही है अडॉप्ट अ हेरिटेज, और इसमें क्या कंडीशन है, क्या वास्तव में हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्या एक अलग से अकाउंट बनाना होगा, या कंपनी क्या वहां जो प्रॉफिट होगा उसको अपने लिए यूज कर पाएगी, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट जो है 15th नंबर जो आपको देखना है, वो आपको देखना है संपूर्ण ग्राम बीमा योजना, और इससे संबंधित जो ग्रामीण डाक बीमा योजना है जो सरकार ने हाल ही में चेंजेस किए हैं, उसको भी आपको पढ़ना है, और इसके बारे में ईयरबुक में भी जो है डिस्कशन है, ये आपको देखना है। होप कि आपने जो 140 क्वेश्चन जो सोल्व किए होंगे ईयरबुक के,
अगर आपने वो किए होंगे तो उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। और 500 प्लस जो क्वेश्चन है उसमें भी इस पर एक क्वेश्चन था, तो आपको अगर आपने वो किए होंगे तो डाउट आपका क्लियर होगा। इसके अलावा आपको पढ़ना है अन्ना पोलितकोवस्क्या अवार्ड पुरस्कार। आप सबको पता है गौरी लंकेश, गौरी लंकेश को जो पुरस्कार दिया गया था उसका नाम है ये अन्ना पोलितकोवस्क्या अवार्ड, जिसे रीच ऑल वुमेन जो संस्था है लंदन के उसके द्वारा दिया जाता है। और इसके संदर्भ में आपको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का भी ख्याल रखना है, यह भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि लीक से हटकर यूपीएससी पूछ रहा है, जहां हमें पता है कि ये इवेंट हुई है परंतु फिर भी हम उसको नकार दे रहे हैं। इसके अलावा जो और स्कीम न्यूज में है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना और इसके अलावा प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना और प्रधानमंत्री वयोश्री योजना। और अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, सिटीजन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, वो भी पढ़ना है। पता लगा आपने स्कीम पढ़ ली पर स्कीम से पैसा कहाँ से आ रहा है वो नहीं पढ़ा, वो कब गठित किया गया था, वहाँ पैसा कैसे आएगा, यूपीएससी वहाँ से पूछ सकता है। जैसे उसने पिछले सर्व स्वच्छ सर्वेक्षण न्यूज में था, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट न्यूज में थी, वो पूछा ही नहीं, परंतु उससे संबंधित जो क्या था आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसे ये न्यूज में। पर यहाँ कोष जो है ये है वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका मिशन परिवार विकास। ये मिशन परिवार विकास जो है इसको पढ़ने के साथ साथ आपको जरूरी यही आएगा, आपको आपके बेसिक ज्योग्राफी से एज जो पिरामिड है वो पढ़ना है, सेक्स रेशियो क्या होता है डेफिनेशन क्या वो पढ़ना है, MMR क्या होता है, IMR क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट फर्टिलिटी पुनरुत्पादन दर क्या होती है, उनकी डेफिनेशन जो है आपको देखना है। और एज पिरामिड में भारत कौन सी स्टेज पे है, जापान कौन सी स्टेज पे है, वो एज पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या वो बेल शेप होता है या पूरा वास्तव में पिरामिड होता है या इन्वर्टेड पिरामिड होता है, वो क्या होता है वो आपको देखना है। मिशन परिवार विकास न्यूज में, तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल मिशन परिवार विकास जानना ही इम्पोर्टेंट है, ये जो सारे टर्म्स मैंने बोले हैं आप 12th की जो NCERT है ह्यूमन ज्योग्राफी की उसको पढ़ सकते हैं, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है। ये जो 20 टॉपिक दिए हुए हैं ये स्कीम रिपोर्ट से इम्पोर्टेंट है, जो आपको देखने ही देखने हैं उसको ज़्यादा ध्यान देना। ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पहले हमने 1200 प्लस टॉपिक दिए उसको नकार देना, वो भी करने हैं, पर उसमें जब आपके पास ये कम टाइम जो बचा है उसमें आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमी से टर्म्स जो न्यूज में है, इकोनॉमी से संदर्भ में जो है उसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे, और उसके बाद हम साइंस टेक और एनवायरनमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे कि आपको उसमें जो कम समय है उसमें किन किन चीजों पर आपको विशेष फोकस करना है। होप कि आपने शीट जो है पूरी वो डाउनलोड कर ली होगी।
आपका और कोई डाउट है जो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और शीट जो सारी है वो हमने अपलोड कर दी है वेबसाइट पर, जिसका लिंक जो है यूट्यूब के इस चैनल पर भी नीचे दिया हुआ है। और अधिक अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जो है मोस्ट, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है 88, जो नंबर है वो है 8800141518, और फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू कितना